तो दोस्तों, जब भी आप मोबाइल परचेस करते हैं या मोबाइल के स्क्रीन के बारे में जब भी कुछ पूछते हैं, तो आप ये पहले पूछते हैं इसका पीपीआई कितना है। क्या आपको पीपीआई के बारे में कुछ पता है? इस वीडियो को देखते रहिए और मैं आज बताऊंगा कि पीपीआई कैसे होता है और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और टेक सेंटर में आप सबको स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको पीपीआई का फुल फॉर्म बता देता हूँ, जो कि इसका फुल फॉर्म है पिक्सल पर इंचेस। आप जो भी मोबाइल यूज करते हैं, चाहे इसका स्क्रीन क्वाट क्वाट फुल एचडी है या एचडी है या 4K या 2K, जो भी इसका स्क्रीन है, उसमें कैसे पीपीआई को कैलकुलेट करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं पिक्सल क्या है, फिर हम जानेंगे पीपीआई क्या है। जो स्क्रीन आपकी मोबाइल का है, वो छोटे छोटे कंपोनेंट से बना होता है, जिसको हम पिक्सल कहते हैं। एक लाइन में शायद हजारों या लाखों पिक्सल रहते हैं। तो पहले हम बताते हैं, ये जो पिक्सल है वो अपना ही रंग, अपना ही जो कलर है वो खुद का है। एक छोटा सा पिक्सल में तीन और उससे भी और छोटे छोटे पिक्सल होते हैं, जिसे हम सब पिक्सल बोलते हैं। जो तीन पिक्सल छोटे छोटे पिक्सल होते हैं, वो तीन कलर को कैरी करते हैं, जिसका एक रेड, एक ग्रीन, एक ब्लू। तो दोस्तों, पिक्सल में जो तीन कलर होता है, उसी तीन कलर से आप बहुत सारे कलर को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपको ब्लू दिखाना है स्क्रीन पे, तो आप तीन में से रेड और ग्रीन को ऑफ कर दीजिए, तो ब्लू ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। अगर आपको ग्रीन दिखाना है, तो ब्लू और रेड को ऑफ कर दीजिए, जो कि जीरो हो, जो जिसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो आपको ब्लू ग्रीन कलर दिखा जाएगा। ऐसे ही आपको अगर ब्लैक कलर दिखाना है, तो तीनों को वैल्यू जीरो कर दो या तीनों को ऑफ कर दो, तो आपका स्क्रीन ब्लैक दिखेगा। अगर आपको व्हाइट दिखना है, तो आपका स्क्रीन को व्हाइट दिखना है, तो तीनों का जो वैल्यू है उसको सेम कर दो, तो तीनों ही मिलकर आपको व्हाइट दिखाएगा। जो ये पिक्सल है, ज्यादातर कलर मिक्सिंग टेक्नोलॉजी के साथ ऐसे ही कलर क्रिएट करते हैं आपके। जैसे आपकी स्क्रीन, जैसे अगर ज्यादा से ज्यादा पिक्सल होता है, तो आपका स्क्रीन का क्वालिटी उतना ही बेहतर होता है। मान लीजिए आपका 2K स्क्रीन है, तो इसमें जो पिक्चर का रिजोल्यूशन उस इसमें ज्यादा होता है। तो दोस्तों, आपने जब ओल्ड टाइम में आपने दिखा था ब्लैक एंड व्हाइट का मोबाइल, जिसमें स्क्रीन में एक छोटे छोटे डॉट्स बने होते हैं, तो उसे हम पिक्सल कहते हैं। ये अब हम ब्लैक एंड व्हाइट का मोबाइल यूज नहीं करते, अब हम कलर के मोबाइल यूज करते हैं। तो इसमें जो पिक्सल था वो छोटा कर दिया गया, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल में आप इसे ज्यादातर बड़े, अगर बड़े नजर से देख सकते हैं, बड़े से दिखता है। आप अगर आप मान लो एक ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल में आपका पिक्चर क्वालिटी ज्यादा क्लियर नहीं होता, लेकिन आपको अभी जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, उसमें आपका पिक्चर क्वालिटी ज्यादा से बेहतर होता, ब्लैक एंड व्हाइट से बेहतर होता है। तो ये सब होता है पिक्सल के मदद से। अगर आपकी पीपीआई ज्यादा से ज्यादा है, तो आपको मूवीज और पिक्चर्स ज्यादा बेहतर मिलेगी। ऐसे ही आपकी मूवीज और पिक्चर क्वालिटी आपके पीपीआई पर डिपेंड होता है। जो पिक्सल की डेंसिटी होती है, वो ज्यादातर आपके स्क्रीन साइज में डिपेंड करता है, और किसी डिस्टेंस से आप देख रहे हैं स्क्रीन को, उसमें ये डिपेंड होता है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं कि कैसे पीपीआई को कैलकुलेट करते हैं। मान लो आपके जो मोबाइल यूज करते हैं, उसका स्क्रीन साइज फुल एचडी है। तो ये है आपका स्क्रीन, इसमें 1920 का ये पिक्सल यहाँ पे रहता है और 1080 का पिक्सल यहाँ पे रहता है। आप इसमें एक एक करके गिनोगे तो 1080 का पिक्सल है। अगर यहाँ से आप यहाँ तक गिनोगे तो 1920 का पिक्सल होता है। देन आपको जो पिक्सल कितना रहता है, 1080 × 1920, ऑलमोस्ट 2 मिलियन पिक्सल रहता है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं ये 2 मेगापिक्सल का है।
तो फिर हम चलते हैं पिक्सल डेंसिटी कैसे आप कैलकुलेट करते हैं। लेट अगर मान लीजिए आपका स्क्रीन का साइज 5.5 इंचेस है, तो इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 5.5 इंचेस का स्क्रीन होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 5.5 इंचेस का स्क्रीन होगा। आप तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे मैथ में, तो इसमें से आप 1080 × 1080 प्लस 1920 × 1920 √4, तो यहाँ पे निकलता है जो 2202.907। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 5.5 इंच के साथ, जो ये है 2202.907 और डिवाइडेड बाय 5.5 इंच। तो जो आपका आता है आंसर वो आपका पीपीआई होता है, लगभग 400.528 आता है, लगभग ये 401 का पीपीआई है। तो दोस्तों ये थी पीपीआई कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपके पास जो स्क्रीन है उसका पीपीआई 300 350 से लेकर 450 तक है, तो एक अच्छी बात है। अगर आपका पीपीआई 350 से कम है तो इसमें रिजोल्यूशन थोड़ा, जो पिक्चर क्वालिटी इतना अच्छा नहीं आता है। मान लीजिए आपका जो स्क्रीन है 2K है, और अगर आपके फ्रेंड के पास जो मोबाइल का स्क्रीन है वो फुल HD, तो आप कुछ फर्क नहीं महसूस कर पाओगे। लेकिन जो इंसान का आंख होता, जो इंसान का आंख है वो इसमें ज्यादा फर्क कुछ महसूस नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ PPI के बारे में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर इसमें कोई गलती है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। हाँ, अगर मेरे से कोई गलती होता है तो नीचे कमेंट में जाकर बोल दीजिए, और मेरे चैनल के ऊपर कोई सजेस्ट है तो नीचे जाकर भी बोल दीजिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब मत करना यार, जोक कर रहा था। सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, थोड़ा मेरे लिए भी, मैं भी खुश हो जाऊंगा। ओके देन, गुड बाय, जय जगन्नाथ।